देख रहे हैं केवल सच नहीं। मंदिर तो बहुत पुराना, राम जी का बहुत पुराना था, हम लोग के जीवन के पहले से ही। बसुरिया बाबा के नाम के एक महात्मा रहते थे, उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण किया। 2012 में बालाजी वेंकटेश्वर धाम के नाम से बालाजी की 6.5 फीट की मूर्ति की स्थापना की गई। श्रेय कांताय कल्याण निधे निधर्ते नाम श्री वेंकटेश निवासाय श्रीनिवासाय मंगलम। मैं वेंकटेश कुमार, आप देख रहे हैं केवल सच। अभी जहाँ हम मौजूद हैं वो उसका नाम है बालाजी वेंकटेश्वर धाम मेहंदिया, अरवल जिला में पड़ता है। इधर से गुजरने के क्रम में पता चला कि यहाँ एक बालाजी का मंदिर है, इसके बारे में जानने की इच्छा हुई और हम लोग पहुँच गए बालाजी मेहंदिया। यहाँ के बारे में हम जानते हैं, यहाँ के जो देख रेख करने वाले हैं इनका नाम इन्हीं से पूछेंगे और पता करते हैं कि यहाँ का इतिहास क्या है, मंदिर कब बना। जी केवल सच में आपका स्वागत है। मेरा नाम है प्रद्युम्न जी। हाँ, यहाँ बालाजी वेंकटेश्वर धाम, ऐसे मंदिर तो बहुत पुराना, राम जी का बहुत पुराना था, हम लोग के जीवन के पहले से ही। बसुरिया बाबा के नाम के एक महात्मा रहते थे, उन्होंने ही इस मंदिर का निर्माण किया और उन्हीं के देख रेख में चलता था। कुछ दिनों के बाद उनकी अवस्था जैसे ढल गई और उनका देहावसान हो गया, तब ये स्वामी 1974 में इस स्वामी जी को सौंपा गया। मत्स्यमा जग के समय उसी समय स्वामी जी के यहाँ देखभाल करने लगा। मंदिर जीर्ण शीर्ण होने के बाद फिर कुछ यहाँ लोगों के भक्त जगिशाए हुए कि यहाँ एक विशाल मंदिर बना जाए। तब 2012 में बालाजी वेंकटेश्वर धाम के नाम से बालाजी की 6.5 फीट की मूर्ति की स्थापना की गई, जो दक्षिण भारत में उतना ही बड़ा है उन्हीं के अथी से, और उधर से ही पत्थर का निर्माण कर सके लाया गया। 4 मार्च 2012 को बालाजी की स्थापना यहाँ हो गई। जो भक्त तिरुपति बालाजी चेन्नई में जो हैं वहाँ दर्शन नहीं कर पाते हैं, उनके लिए सबसे बेहतर शुभ अवसर है कि आकर के मेहंदिया में तिरुपति बालाजी वेंकटेश भगवान का दर्शन करें। वेंकटेश भगवान का महात्म्य क्या है? अभी कलयुग में कहा जाता है कि वेंकटेश कलयुग के कलगुनायक वेंकटा, भगवान वेंकटेश का अवतार जो है कलयुग में भगवान वेंकटेश का ही है। हाँ, इन्होंने जो है सब, इनका प्रादुर्भाव हुआ